सब कुछ निकाल के बैठे हुए हैं, बट हम लोग 3 साल से हर कार्यालय भटक रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का। हम लोग महिला लोग कहाँ से आए, अपने फैमिली को, परिवार को, हम लोग का आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, हम लोग एकदम जॉब की बहुत ज़रूरत है और हम लोग पास आउट भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जॉब मांग रहे हैं, हम लोग पास आउट है, हम लोग संघर्ष किए इसके लिए, फिर भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। दरभंगा जिला से हम लोग कार्यपालक अनियोजित हैं, हम लोग को कहाँ कहाँ नहीं गए, हम लोग आधे को कर दिया आधे को नहीं किया, हम लोग हर कार्यालय भटके हैं बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई कहीं भी बात नहीं रखते हैं तो ये लोग सुनते ही नहीं। ये एक हमारे दरभंगा जिला का ही नहीं पूरे बिहार की समस्या, मतलब हर एक प्रत्येक जिला इवरी जिला है सबका यही प्रॉब्लम है हर जगह का। और बहाली आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है, आधा पैनल में, तो हम लोग छोटा बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, बहाली नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। किस साल बहाली हुआ? 2018 में। मेरा नाम पूजा राय है और मैं दरभंगा से हूँ। प्रॉब्लम मेरी ये है कि हम लिखित पेपर दे चुके हैं, टाइपिंग भी दे चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा जो 2018 में हम फॉर्म वो भरे भी उस कार्यपालक सहायक के नियोजन के लिए, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 600 में से 500 का हो चुका है। हम 80 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो हम ऐसे घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। PSM ऑफिस के पास गए थे तो हम लोग महिला पुरुष तो दूर की बात है, महिला पे लाठी चार्ज करके भेजा गया था, 2-3 महिला PMC जो है उसमें एडमिट भी हम लोग करवाए थे, तो हर जगह पर हम लोग को सिर्फ लाठी मिलता और कुछ नहीं मिलता है, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाए। 600 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया जिसमें से 500 को हो गया, उसके बाद जो कैंडिडेट बाकी है उसका हुआ ही नहीं। अब बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी बेल्ट्रॉन है वहाँ से लिया जाएगा, हम लोग का मतलब हम लोग का हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम लोग हर जगह गए, जहाँ जहाँ भी जाना चाहिए, पर हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैनल में से 500 से ज़्यादा बच्चे का नियोजन हो चुका है, शेष 90 बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अब DM साहब बोल रहे हैं कि आप लोग का नहीं होगा, जो होगा आप जाके BPSM ऑफिस जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए। 2018 में पैनल बना था कार्यपालक सहायक के लिए, जिसमें 600 में से लगभग अब 80 स्टूडेंट बाकी हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं अंकिता सिंह। आज फिर से BJP में सहयोग कार्यक्रम लगाया गया, हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, इन लोग को बहाली में की प्रक्रिया में समस्या आ रही है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ समस्या है और कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं छपरा ज़िले से आई हूँ। हम लोग का 2015 में फॉर्म भराया था, 2018 में बहाली हुआ। किस चीज़ का फॉर्म भरा? कार्यपालक सहायक का। और बहाली आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है, आधा पैनल में, तो हम लोग छोटा बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, बहाली नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। किस साल बहाली हुआ? 2018 में। क्या समस्या आपका? मेरा नाम पूजा राय है और मैं दरभंगा से हूँ। प्रॉब्लम मेरी ये है कि हम लिखित पेपर दे चुके हैं, टाइपिंग भी दे चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा जो 2018 में हम फॉर्म वो भरे भी उस कार्यपालक सहायक के नियोजन के लिए, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 600 में से 500 का हो चुका है। हम 80 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो हम ऐसे घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी DM सर यहाँ भेजते हैं, कभी वहाँ भेजते हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, बस यही कहा जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है ये तो पता नहीं। आप लोग कहाँ गए थे? BPSM ऑफिस के पास गए थे तो हम लोग महिला पुरुष तो दूर की बात है, महिला पे लाठी चार्ज करके भेजा गया था, 2-3 महिला PMC जो है उसमें एडमिट भी हम लोग करवाए थे, तो हर जगह को हम लोग को सिर्फ लाठी मिलता और कुछ नहीं मिलता है, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। आप समस्या लेके कहाँ कहाँ गए थे? हम समस्या लेके BPSM ऑफिस गए, ये जनता दरबार में आए हैं, वहाँ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी ऑनलाइन कर मेरे कुछ कैंडिडेट गए हैं, फिर भी वहाँ भी नहीं सुने हैं कोई। क्या लगता है आपको कि क्या हो पाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है, आश्वासन दे के सिर्फ छोड़ा जाता है। आप कहाँ से आई? दरभंगा से। मेरा नाम कोमल है, मैं दरभंगा से हूँ। मेरा अभी 2018 में कार्यपालक सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, हम लोगों का रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद टाइपिंग हुआ, हम लोग 600 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया जिसमें से 500 को हो गया, उसके बाद जो कैंडिडेट बाकी है उसका हुआ ही नहीं। अब बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी बेल्ट्रॉन है वहाँ से लिया जाएगा, हम लोग का मतलब हम लोग का हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम लोग हर जगह गए, जहाँ जहाँ भी जाना चाहिए, पर हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। मैम, संजय कुमार दरभंगा से। मैम, सन 2018 में BPSM के द्वारा जिला स्तरीय पर एग्ज़ाम लिया गया था टक्कर पालक साहब का, जिसमें रिटेन मैंने पास किया, टाइपिंग पास किया, और उसके बाद 600 का पैनल बना। उस पैनल में से 500 से ज़्यादा बच्चे का नियोजन हो चुका है, शेष 90 बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अब DM साहब बोल रहे हैं कि आप लोग का नहीं होगा, जो होगा आप जाके BPSM ऑफिस जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए क्या करेंगे।
लेकिन महिलाएं तो बता रही है कि बीपीएल से ऑफिस में महिलाओं के साथ ही बर्बरता की गई, मारा गया। बिल्कुल मैम, इससे पहले हम लोग गए थे वहाँ पे जाके, तो वहाँ पर ये लोग लाठी चार्ज किए, उसके बाद बोला कि आप लोग का नहीं होगा, आप लोग को जो करना है कर सकते हैं, हम लोग के बस की बात नहीं है। इसके बाद हमारे कुछ कैंडिडेट जनता दरबार में गए, तो जनता दरबार में मिलने के बाद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आधे का सिलेक्शन आप कीजिएगा, आधे का नहीं कीजिएगा। उसके बाद ये लोग को भेज दिए सामान्य प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में मिलने के बाद वो बोलते हैं कि जो है ना आप लोग का नहीं होगा, आप लोग को जो करना है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने के पीछे का वजह कुछ नहीं, हम बेल्टोन से लेंगे हम लोग, आप लोग का आप नहीं होगा, आप जिसका होना था हो गया, आप लोग कुछ नहीं, आज जब तक कुछ होता नहीं है ऐसे घूमते रहिए आप लोग। आपका क्या समस्या? मेरा भी साथ में वही समस्या है, मैं भी दरभंगा जिला से हूँ, नाम संदीप है। हम लोग का 18 में पैनल बना था कार्यपालक सहायक के लिए, जिसमें 600 में से लगभग अब 80 स्टूडेंट बाकी हम लोग के पैनल में, मगर सभी जगह हम लोगों ने कई माननीयों के यहाँ हम लोगों ने गुहार लगाई, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। सभी जगह, चाहे DM सर हो, चाहे अपने सांसद हो, विधायक साहब हो, या और भी जो भी केंद्र मंत्री है, उन सब से भी मिला, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने सोचा कि सरकार ने 19 लाख का वादा किया है रोजगार के लिए, तो कम से कम सरकार सुनेगी, तो उसी भरोसे आए हैं, देखते हैं देश हमारे साथ क्या न्याय होता है। हमारे दरभंगा जिला का ही नहीं, पूरे बिहार की समस्या, मतलब हर एक प्रत्येक जिला, एवरी जिला है, सबका यही प्रॉब्लम है हर जगह का। क्या मैम, आप कहाँ से? दरभंगा जिला से। हम लोग कार्यपालक अनियोजित हैं, हम लोग को कहाँ कहाँ नहीं गए, हम लोग आधे को कर दिया, आधे को नहीं किया, हम लोग हर कार्यालय भटके हैं, बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई कहीं भी बात नहीं रखते हैं तो ये लोग सुनते ही नहीं है। BPSM जी, वहाँ भी गई थी, सारे लोग वहाँ बोल रहे हैं कि अब आप लोग का बिलेक्ट्रॉन से अब लाया जाएगा, अब आप लोग का कोई उपाय नहीं होने वाला है। ये कौन बोला? अब ये बिलेक्ट्रॉन की लेटर निकला है ना, प्रतिमा मैम, सतीश सर, ये सब बोल रहे हैं कि अब आप लोग, हम लोग टाइपिंग दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, एग्जाम भी पास किए हैं, सब कुछ निकाल के बैठे हुए हैं, बट हम लोग 3 साल से हर कार्यालय भटक रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का। हम लोग महिला लोग कहाँ से आए, अपने फैमिली को, परिवार को, हम लोग का आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, हम लोग एकदम जॉब की बहुत ज़रूरत है, और हम लोग पास आउट भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जॉब मांग रहे हैं, हम लोग पास आउट है, हम लोग संघर्ष किए इसके लिए, फिर भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। 2018 में जो विज्ञापन मैम निकला था उसमें क्लियर लिखा है कि 3 साल की वैधता रहेगी, मगर 2 साल में हम लोग को पूरा ये कर दिया गया है, 2 साल के अंदर में ख़त्म कर दिया, वैधता भी खत्म कर दिया। नहीं, अभी वैधता है, 3 साल का था ना, तो 2 साल में ये लोग पूरा कहानी हम लोग के साथ कर दिया। हम लोग 2 साल में जहाँ नहीं भी जाना चाहिए था वहाँ भी हम लोग गए, फिर भी हम लोग का कोई कुछ नहीं सुना। तो ये हमारे पास पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिस बिहार में लगातार बताया जा रहा था चुनाव के समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही, किसी ने 10 लाख रोजगार की बात की कही तो किसी ने 19 लाख रोजगार की बात कही, ऐसे में ये सारे हमारे पीछे जो भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ये सारे पास आउट स्टूडेंट हैं। इसके बावजूद इन्हें दर बदर की ठोकर खानी पड़ती है, प्रशासन के द्वारा लाठियाँ खानी पड़ती है, ऐसे में अब सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है आप समझ सकते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।